स्लोगन सलापुरा नहर पर लाइट की समस्या को लेकर लगाया जाम। सलापुरा में पिछले 3 दिनों से लाइट नहीं आने के कारण सलापुरा के लोगों ने लगाया जाम। सलापुरा के लोगों का कहना है कि पिछले 3 दिनों से लाइट नहीं आ रही है, जिसके कारण रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यही नहीं, पिछले 3 दिनों से पीने तक का पानी नहीं है, पानी के लिए लोगों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। जाम में कांग्रेस विधायक बाबू जडेल भी लोगों के साथ जाम में बैठ कर लोगों का समर्थन कर रहे हैं। और यही नहीं, सुबह 9 बजे से जाम लगा हुआ है, जिसमें गर्मी के कारण विधायक बाबू जडेल की गर्मी की वजह से घबराहट होने लगी, पर वह जमीन पर ही लेट गए। फिर लोगों ने विधायक को पानी पिलाया, तब जाकर थोड़ी स्थिति ठीक हुई। फिर करीब 11 बिजली विभाग के कर्मचारी वहां पहुंचे। वहां पर पहुंचने के बाद विधायक और बिजली विभाग के कर्मचारी में चर्चा हुई। चर्चा के बाद विभागीय अधिकारी ने आश्वासन दिया कि आपकी सारी समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द कर दिया जाएगा, तो फिर जाकर जाम खोला गया। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की खास रिपोर्ट। ये जो सलापुरा है, ये सिटी से लगा हुआ है, काफी आबादी है। सलापुरा का बिल सिटी का बिल की तुलने में देते हैं, पूरा सलापुरा का बिल जमा करते हैं। यहाँ लाइट बिल्कुल नहीं है सलापुरा के अंदर, और ये सलापुरा की हमारी मांग है कि सिटी से जोड़ी जाए। पहली मांग हमारी सलापुरा से सिटी से जोड़ी जाए। दूसरी मांग हमारी है लोकेंद्र जाट जैन, उसमें भ्रष्टाचार का कई आरोप है। ये बिजली कंपनी ने इसकी जांच की, इसमें ये 16 लाख से दोषी पाया गया। काफ़ी शिकायत है, ये 4 बरस से अधिक इस जिला में रह रहा है। बड़ौदा में भी केस कायम है, पहले सस्पेंड हो चुका है। आदिवासियों से इसने 1,000 रुपये कर उगाया है, केस का घपला है। फिर भी ये बीजेपी का नेता है और यूपी में इसका भाई चुनाव लड़ रहा है, माला फेर रहा है। भाजपा सरकार अपनी भ्रष्ट है, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को पना दे रही है और कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर ये कार्रवाई आज सस्पेंड नहीं हुआ, जी साहब ने आश्वासन दिया कि अभी हम सस्पेंड कर रहे हैं और लाइट को सिटी से जोड़ रहे हैं, अगर आज सस्पेंड नहीं की गया तो मैं बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी हमारा 11 बजे कलेक्टर साहब पे ज्ञापन है, हम ज्ञापन देंगे। ज्ञापन के बाद में बहुत बड़ा निर्णय लेंगे और बहुत बड़ा चक्का जाम। सलापुरा में बिजली की काफ़ी दिनों से समस्या चल रही है, कल की बिल्कुल लाइट नहीं है, पानी नहीं है। रात में मोहल्ले वाले इनके बच्चा बच्ची परेशान है, रात भर मच्छर खा रहे हैं। मैंने रात एसी साहब को फोन लगाया, एसी साहब ने मोबाइल उठाया, मेरे से बात की। एसी साहब ने डी पे फोन लगाया, डी से मेरी बात हुई। पर जो मिस्त्री था यादव, इस सलापुरा में जो 9 मैन, उसने किसी अधिकारी का फोन नहीं उठाया। 9 मैन इतना तानाशाही है कि वो भाजपा के वरिष्ठ अधिकारियों को पेशा देके गरीबों को लूट रहे हैं। और जो यादव वो लोकेंद्र जाट जैन है, जैन पोस्ट है, जय पोस्ट है, उसमें कई भ्रष्टाचारों का आरोप लगा है। इस जिले में उसको 3-4 साल हो गए हैं, सस्पेंड हुआ है, फिर भी उस सलापुरा में वो नियुक्त है। और कई लोगों से, आदिवासी भाइयों से पता चला कि वो बिजली का नाम से 1,000 रुपये घर की चंदा किया है। कई लोगों से भ्रष्टाचार का सामने आ रहा मेरे पास, और विधानसभा में लगाऊंगा। जब वरिष्ठ अधिकारी एसी का एक 9 मैन फोन नहीं उठा रहा है, तो बताओ ये कौन सा लोकतंत्र है, ये कौन सी सरकार है। एक मिस्त्री एसी का फोन नहीं उठा रहा, अभी तक भी पानी की कोई व्यवस्था नहीं है लाइट की। बालापुरे के माए तारों से पूरा मोहल्ला जला हुआ है, अगर बालापुरा में रिपेयरिंग नहीं तो किसी की भाई की मौत हो सकती है, तार ही तार हो रहे। आप मीडिया भाई से मेरा कहना, आप बालापुरा में भी जाके देखो, कई लेटर दे चुके हैं, कई बार एमडी तक भी शिकायत कर चुके हैं, पर कोई ध्यान नहीं है। इनका वसूली करने का ध्यान है, DPRO को उतार रहे हैं, लाइट कई जगह खतरे में, लाइट का तार है, कोई ये ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए हमने मजबूर होकर धरना बैठना पड़ा।